हंटर समिति। हंटर समिति क्यों याद रखिएगा, जालिया वाला बाग हत्या कांड को जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन हुआ था। देखिए हंटर समिति का गठन कब हुआ था, 1919 को याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कब हुआ था, 13/4/1919 को। इसके बाद 1919 यानी कहने के मतलब 6 मंथ बाद, लगभग 6 महीने बाद, हंटर समिति का गठन हुआ। आप सुनिए, हंटर समिति का जो गठन हुआ था उसमें लॉर्ड हंटर उसका अध्यक्ष था। हंटर समिति का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड हंटर उसका अध्यक्ष था। यानी इस हंटर समिति में कुल 8 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष, 4 अंग्रेज और 3 भारतीय। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए जो हंटर समिति बनाई गई थी उसमें 1 लॉर्ड हटन अध्यक्ष, 4 अंग्रेजी व्यक्ति और 3 भारतीय। कुल हंटर समिति में 8 सदस्य थे। हंटर समिति में 8 सदस्य सदस्य थे। कितना सदस्य थे, 8। अब इसके बारे में नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। आप याद रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का नाम क्या था, लॉर्ड हंटर, ठीक है, यह अध्यक्ष हुआ करते थे। अंग्रेज के 2 आदमी थे, अंग्रेज के 4 आदमी थे, 1, 2, 3 और कितना जाएगा, 4। पहला का नाम क्या था, सर जॉर्ज, क्या सर जॉर्ज राइटिंग। दूसरा का क्या था, डब्ल्यू एफ राइस। सरकार था सर जॉर्ज बायरो। चौथा क्या था, सर थॉमस स्मिथ। ये 4 अंग्रेज थे। कितना यहां पर याद रखिएगा, सर जॉर्ज राइजिंग, डब्ल्यू एफ राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमसन स्मिथ। आप यहाँ पर याद रखिएगा, 3 भारतीय थे यहाँ पर, 1 नंबर 3 भारतीय थे। एक का नाम क्या था, भारतीय का नाम क्या था, नाम बनिया था चिमनलाल शीतलवाड़ा। दूसरा का नाम था सहजादा सुल्तान
मोहम्मद मोहम्मद सरगा का नाम था जगत नारायण, जगत नारायण। याद रखिएगा यह दिन क्या थे, भारतीय भारतीय। यह दिन क्या थे, ये दिन भारतीय थे। अब इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी तरह से जानकारी रिपोर्ट इकट्ठा किया। मार्च 1920 में इन्होंने ले जाकर इस पत्र को किसके पास सौंपा, इसको कोर्ट में बिल पास किया, ठीक है ना। कब, मार्च 1920 ईस्वी में, मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने बिल को पास किया, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने ले जाकर अपना पूरा जांच पड़ताल करके इन्होंने दिया, लेकिन इसमें एक भी अंग्रेज दोषी नहीं निकले। इस कवता समिति को गठन किया गया था अंग्रेजों को दोषी ठहराने के लिए, या जो कांड हुआ था, हत्या हुआ था, इस हंटर समिति के माध्यम से एक भी अंग्रेज दोषी नहीं निकले, क्योंकि जो लोग जांच कर रहे थे वह सब अंग्रेज ही थे। उन्होंने एक भी अंग्रेज को क्या किए, दोषी नहीं ठहराए। इसके बाद फिर से इस हंटर समिति पर विश्वास न हुई, तब फिर से एक समिति का गठन हुआ, उसमें मुख्य लिखा गया, नाम नोट कर लिए लो, कैसे हम बता दें, उसमें यहाँ पर बताया गया कि मार्च 1920 में एक भी अंग्रेज दोषी नहीं पाए गए, परंतु इस पर कांग्रेस ने गहन विचार किया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस पर गहन विचार किया। कांग्रेस ने बोला कि ये कैसे संभव है, इस पर हम गहन विचार करते हैं, इस पर हम फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जालियांवाला बाग हत्या कांड, जालियांवाला बाग हत्या कांड को जांच करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति बनाई, कांग्रेस ने भी एक क्या बना दी, समिति बना दी कि नहीं, अगर इसमें अंग्रेज दोषी नहीं है तो हम लोग अपने स्तर से इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, क्या क्या इसमें स्याही डाल दीजिए, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही है, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या बताया गया यहाँ पे, अध्यक्ष किसको बना दिया गया, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय
ठीक है ना, को अध्यक्ष बना दिया गया। इसमें सदस्य हो गए एक नंबर में गांधी जी, दो नंबर में मोतीलाल नेहरू, तीन नंबर में सी आर दास, चार नंबर में अब्बास नयोबाजी। आप अध्यक्ष कौन थे? क्या कांग्रेस ने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्बास नयोबाजी ने इसको अब जांच करने की प्लान बनाई और इन्होंने जांच करने के लिए गए कहाँ? फिर से अमृतसर के हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ के लोगों से जाके इन्होंने पता लगाई। पता लगाने के बाद जल्दी से नोट कर ली, पता लगाई। उसके बाद यह प्रक्रिया आगे चलती रही। इसी कालखंड में श्यामन लाल दीप ने डंडा फौज का गठन कर दिया था। उसी समय श्यामन लाल दीप ने किसका गठन कर दिया था? डंडा फौज का गठन कर दिया था। डंडा फौज का गठन कर दिया। तो ये हम लोग का हंटर समिति का नामकरण लैड हंटर के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया था, क्योंकि इस समिति का अध्यक्ष वही था, इसलिए उनके नाम पर इस समिति का नाम रखा गया। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।